हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स खाना खजाना। आज हम बनाएंगे एक ऐसा ऑल इन वन मसाला जो आपके दही बड़े, रायता, चटनी, चाट के स्वाद को दुगना कर देगा और आप बच जाएंगे बहुत सारी छोटी छोटी डब्बियां खोलकर मसाले डालने से। तो चलिए फिर देखते हैं इस लाजवाब से मसाले को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले चाहिएगा हमें पुदीना। ये मैंने लगभग 400 ग्राम पुदीना लिया है और इसे मैंने इस तरह पत्ती पत्ती तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा डंडी ना डालें। अब इसे हम बहुत अच्छे से 2-3 पानी से इसे धो लेंगे, क्योंकि पुदीने वगैरह में जो है थोड़ी मिट्टी लगी होती है। इसे बहुत अच्छे से ऐसे करके 2 पानी से धो लें। आप देख सकते हैं इसमें कितना नीचे मिट्टी और बालू जैसा बैठ गया है। अभी मैं इसे और भी 1-2 पानी से धोऊंगी। ये मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है और अब इसे हम एक छलनी में डाल देंगे और इसे हम आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। पुदीने से हमारा पानी एकदम अच्छे से निकल गया है। अब इसे हम एक साफ़ कपड़े पर और सूती कपड़े पर इसे हम ऐसे फैलाकर सुखा देंगे। ये पंखे में ही आराम से 1 दिन में सूख जाता है। इसे धूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पुदीना हमारा एकदम अच्छे से सूख गया है। ये इसे पंखे के नीचे ही आराम से सूख गया और ये आप देखेंगे हाथ से ही ऐसे मैश हो रहा है। पुदीना हमारा बिल्कुल अच्छे से मतलब चूरा हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक छलनी में डालकर छान लेंगे ताकि जो भी हमारी थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह रह गई होंगी तो वो जो है वो ऊपर रह जाएगी। बस ऐसे मसलते हुए इसको छान लें। ये देखिए थोड़ी बहुत जैसे लकड़ी रह जाती है हमें पुदीना तोड़ते समय, तो वो निकल जाएगी। आप देख सकते हैं पुदीना मैंने पूरा छान दिया और बहुत थोड़ा सा ये इस तरह से ऊपर रह गया है। अगर आपका पुदीना अच्छे से नहीं सूख पाता है तो आप मीडियम आंच में उसे बहुत हल्का सा भून देंगे तो वो क्रिस्प हो जाएगा। फिर आपका पुदीना इस तरह से तैयार हो जाएगा। आप देखिए कितना अच्छा ये पुदीना हमारा तैयार हो गया है। तो पुदीना तो हमारा तैयार हो गया, चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। पुदीना तैयार होने के बाद ये वेट में लगभग 50 ग्राम रह गया और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ग्रीन और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हमने बढ़िया सा एक रायता मसाला बनाने के लिए ये 50 ग्राम मान लीजिए पुदीना है सूखने के बाद, और ये 100 ग्राम मैंने ली है काली मिर्च साबुत, और मैंने लिया है ये 200 ग्राम भुना हुआ जीरा, इसको मैंने भून कर और ठंडा कर लिया है, और 200 ग्राम ही मैं डालूंगी इसमें कच्चा जीरा, क्योंकि दोनों के अपने अलग टेस्ट होते हैं, कच्चे जीरे का अलग और भुने जीरे का अलग, जो मिलकर एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनाते हैं। और मैंने लिया है ये 300 ग्राम काला नमक और 300 ग्राम ही सेंधा नमक। इस तरह से बाज़ार में आराम से साबुत नमक मतलब इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में मिल जाता है। ये इस तरह का काला नमक होता है, थोड़ा सा ब्राउन या रेड आप जो भी कह लो, और इस तरह वाइट सा थोड़ा सा सेंधा नमक होता है। मैं तो हमेशा इस तरह का लेकर बाज़ार से और मैं आराम से मिक्सी में पीस लेती हूँ, तो ये हमें थोड़ा सा रहता है कि ये हमारा प्योर नमक है। अब सबसे पहले हम अपनी काली मिर्च को पीसेंगे, एकदम से ही पीसेंगे। पहले हम हल्का सा इसको पल्स पर चलाएंगे ताकि इसका छिलका थोड़ा सा निकल जाए, क्योंकि छिलका काली मिर्च का थोड़ा सा कड़वा होता है। मैंने इसे पल्स में पीसा है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस ये पिसी नहीं है, बस ये ऊपर से इसका थोड़ा सा छिलका जो है उतर गया है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि अगर हम इसे ऐसे हल्का हल्का जब फटकेंगे तो हमारी मिर्चें पीछे रह जाएंगी और जो इसका काला छिलका है ये थोड़ा सा निकल जाएगा। बस थोड़ा सा ही हमें निकालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ये निकल जाता है तो इसका टेस्ट जो होता है मिर्च का वो बहुत बढ़िया हो जाता है। आप देखें छिलका मैंने बिल्कुल अच्छे से फटक दिया है और अब इसे हम मिक्सी में डालकर एकदम बारीक पाउडर कर लेंगे। काली मिर्च को हमने पीस लिया है और इसे हम पलट लेंगे एक प्लेट में। अब इसी जार में हम अपना ये कच्चा वाला जीरा भी पीस लेंगे। जीरा भी हमने पीस लिया है और जीरा को भी हम इसी में डाल देंगे। और जीरा को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारीक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये रायते में और या फिर हमारे दही बड़े उनमें ये अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा सा ये दरदराई है। अब हम एक ऐसा बड़ा बोल ले लेंगे, कोई भी मिक्सिंग बोल। अब उसमें हम डाल देंगे सबसे पहले अपने दोनों नमक, हमारा ये सेंधा नमक और काला नमक।
अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने ये काली मिर्च और जीरा को पीसा है, कच्चे जीरे को, वो भी डाल देंगे इसमें हम। और इसमें हम डाल देंगे जो पुदीना हमने पाउडर बनाया था उसे भी। ये सारी चीज़ें मैंने एक बड़े बोल में डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा भुना हुआ जीरा था अब उसे हम पीसेंगे। और इसे हमें बिल्कुल मोटा मोटा ही रखना है, क्योंकि ये मेन ये रायते में बिल्कुल मोटा मोटा ही अच्छा लगता है। इसे मैं पीस लूँगी। अब देखें, ये मैंने बिल्कुल बस हल्का सा मैंने इसे चन ही किया है, क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा बारीक और कुछ थोड़ा सा साबुत साबुत, ये बहुत मज़ेदार लगता है। अब इसे भी हम इसी में मिला देंगे। अब देखें, मैं और पास से आपको जीरा दिखाना चाह रही हूँ। अब ये सारे मसालों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे आप हाथों से भी कर सकते हैं, और चाहें तो ये चम्मच से भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा एकदम ऐसे हमारे पास, क्योंकि ये नमक जो होता है कभी कभी थोड़ा सा जम जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से ऐसे फोड़ते हुए इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारा बढ़िया सा रायता मसाला एकदम बनकर तैयार हो गया है। इसमें जो पुदीना, काला नमक और जो हम कच्चा जीरा और भुना जीरा जो दोनों डालते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आपको रायता बनाना हो, दही बड़े बनाने हो, या आपको मसाले वाला छाछ बनाना हो, सब में ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और हम बच जाते हैं अलग 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 दो चार डब्बे खोलने से, बस इसमें आपका नमक, जीरा, काली मिर्च, पुदीना सब कुछ है। आप कितना बना रहे हैं उस हिसाब से अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी डालें और मिक्स करें। आप देखेंगे कि इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप इसके टेस्ट को कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसे स्टोर करें एक सूखे और साफ जार में। और इसे आप बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी ड्राई चीज़ें हैं, कुछ भी ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और डेली यूज के लिए आप एक छोटी डब्बी में निकाल लें, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ज़्यादा मसाला है वो सेफ़ रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम निकाल रहे हैं और इसमें थोड़ा सा मॉइस्ट आ गया, तो आप तो भी जानते हैं कि नमक है तो थोड़ा सा गीला हो सकता है। ये मसाला आपके सभी रायते, दही बड़े, चाट, टिक्की का स्वाद को दुगना कर देगा। एक बार फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।